जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की मौत सुबह मारी गई थी दो गोलियां। शिंजो आबे पर स्थानीय समय के अनुसार आज सुबह 11:30 बजे हुआ था हमला। ये हमला नारा शहर में हुआ। जापान में रविवार को उच्च सदन के चुनाव होने हैं, इसके लिए आबे वहां कैंपेनिंग कर रहे थे। शिंजो आबे के निधन से पीएम मोदी स्तब्ध। भारत में कल एक दिन का रहेगा राष्ट्रीय शोक। पीएम मोदी ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मैं अपने सबसे प्यारे दोस्तों में से एक शिंजो आबे के दुखद निधन पर स्तब्ध और दुखी हूं। पीएम मोदी ने ऐलान किया कि 9 जुलाई को देश में एक दिन का राष्ट्रीय शोक मनाया जाएगा। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को जान से मारने की धमकी देने वाला हुआ गिरफ्तार। भोपाल की भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और सपा नेता मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को जान से मारने की धमकी देने वाले शख्स को भोपाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को ही कॉलर ने जान से मारने की धमकी दी। महाराष्ट्र गोवा समेत इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। अगले 5 दिन होगी भारी बारिश, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। मुंबई और गोवा में अगले 5 दिनों में भारतीय मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है। आईएमडी ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात समेत कुछ राज्यों में शनिवार रविवार को भारी बारिश का अनुमान जताया है। हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में दवा निर्माताओं के ठिकानों पर आईटी की छापेमारी। देश की नामी दवा कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर समेत 3 ठिकानों पर गाजियाबाद में आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की। छापे के दौरान दवा कंपनी से जुड़े हुए दस्तावेजों, स्टॉक और खरीद बिक्री के रजिस्टर समेत बैंक से लेनदेन के रिकॉर्ड को भी जब्त किया गया है। एमएलसी चुनाव में क्रॉस वोटिंग में शामिल 7 विधायकों के खिलाफ होगी कार्रवाई। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने अपने 11 विधायकों को नोटिस भेजा है। पार्टी आलाकमान विधायकों के खिलाफ बड़ा कदम उठा सकती है। पार्टी आलाकमान ने क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों को कारण बताओ नोटिस भेजा है।